आज हम पढ़ेंगे क्लास फोर्थ के लिए हमारा भारत बुक से चैप्टर नंबर 11 को। तो बच्चों, चैप्टर के साथ साथ टेक्स्ट बुक के सभी क्वेश्चन आंसर भी लिखने बताऊंगी, ताकि अलग से वीडियो देखने में आपका थोड़ा भी टाइम वेस्ट ना हो। और फिर लास्ट के अंदर अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले रिपीटेड क्वेश्चन आंसर भी बताऊँगी। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 11 का नाम है भारत का प्रशासन। पहले चैप्टर का टाइटल समझ लेते हैं, ताकि हमें समझ आ सके कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। तो देखो बच्चों, प्रशासन का मतलब क्या होता है? ये देखो, प्रशासन का मतलब है कि सरकार के ज़रिए से एक ऐसी व्यवस्था बनाना जिसके पास कानून बनाने का है ना, उन्हें लागू करने का अथवा किसी भी संस्थान पर लागू करने का अधिकार होता है, वो प्रशासन होता है। यानी कि प्रशासन के ज़रिए से ही सरकार पूरे ही देश में नियम कायदे कानून लागू करती है। अभी आप चैप्टर पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि प्रशासन का मतलब क्या है। प्रशासन का मतलब ये है कि बच्चों, पूरे ही देश को सुचारू रूप से नियम कायदे कानून के आधार पर सरकार के ज़रिए से चलाना। अब देखो, आलोक ने अपने टीचर को बताया कि उसकी दादी ने उसे एक कहानी सुनाई थी, जिसमें राजा एक नौकर के नाराज़ होने पर उसे मृत्यु की सज़ा दे देता है। तो उसने अपने सर से पूछा कि क्या सर, आज भी ऐसा होता है कि राजा किसी से नाराज़ होने पर किसी को मृत्यु की सज़ा दे दें? तो अध्यापक ने उन्हें क्या बताया कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर एक शासन व्यवस्था है, और इसी शासन व्यवस्था के तहत पूरे देश के अंदर सभी काम होते हैं। कोई भी अपनी मनमानी नहीं कर सकता है, इसी वजह से शासन व्यवस्था बनाई जाती है। ये सबके ऊपर समान रूप से लागू होती है, देश के सभी लोगों पर। बच्चों, जो शासन होता है, शासन की व्यवस्था होती है, वो सभी पर एक जैसी लागू होती है। आज हम अपने देश की शासन व्यवस्था के बारे में इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो बच्चों, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश का मतलब क्या होता है? जिसमें लोगों द्वारा चुनी गई सरकार होती है। यानी कि देखो, हमारे देश की जो बच्चों सरकार है, इसे हम अपनी मर्ज़ी से चुनते हैं। जिन लोगों की उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा होती है, वो वोट देते हैं, और वोट के ज़रिए से ही हम अपने प्रधानमंत्री को चुनते हैं, और वही देश का शासन चलाते हैं। तो भारत क्या है बच्चों? एक लोकतांत्रिक देश है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है, क्योंकि बच्चों, पहले हमारा देश ग़ुलाम हुआ करता था। लगभग 200 साल तक अंग्रेज़ों ने भारत पर अपना शासन किया था, यानी कि राज किया था। 17वीं शताब्दी के दौरान अंग्रेज़ व्यापार करने के उद्देश्य से भारत आए थे। कब आए थे अंग्रेज़? 17वीं शताब्दी में आए थे भारत अंग्रेज़। और किस लिए आए थे? व्यापार करने के इरादे से आए थे। तो उन्होंने अपना सबसे पहला, तो बच्चों अंग्रेज़ों ने व्यापार करने के लिए अपना सबसे पहला कारखाना सूरत में खोला था, गुजरात के सूरत में। और फिर अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे अपनी फौज बना ली, और बहुत बड़े क्षेत्र पर हिंदुस्तान के कब्जा कर लिया। भारत में अंग्रेज़ों की जो पहली राजधानी थी, वो कोलकाता थी। अंग्रेज़ों ने बच्चों 17वीं शताब्दी में अपनी राजधानी किसे बनाया था? कोलकाता को बनाया था। और आज हमारी राजधानी क्या है? सभी जानते हैं कि नई दिल्ली है। फिर उन्होंने बाद में अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया था। अंग्रेज़ी भाषा को सरकारी भाषा का भी स्थान दिया गया था। आज तो हमारी सरकारी भाषा हिंदी है। स्कूलों में अंग्रेज़ी के माध्यम से पढ़ाई करवाई जाने लगी थी। अंग्रेज़ों से भारत को आज़ाद करवाने के लिए हमने बहुत सारे, हमारे देश की जनता ने, हमारे लीडर्स ने बहुत सारे आंदोलन किए हैं। इस आज़ादी के संघर्ष में महात्मा गांधी जी की बहुत बड़ी भूमिका है, ख़ास भूमिका है, विशेष भूमिका है हमें आज़ादी दिलाने के अंदर। इन्होंने शांतिपूर्ण ढंग से आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, जिसमें किसी भी हिंसा का इन्होंने प्रयोग नहीं किया था। तो इसी जदोजहद की वजह से 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया था। लेकिन इसके साथ ही बच्चों, हमारा देश दो भागों में बट गया था। पहला पार्ट था भारत, और दूसरा पार्ट था पाकिस्तान। मगर पहले, इससे पहले ये दोनों एक ही हुआ करते थे, मगर आज़ादी के टाइम पर भारत के दो टुकड़े हो गए थे। हर एक देश को चलाने के लिए सरकार की तथा सरकार को चलाने के लिए कुछ नियमों की ज़रूरत होती है। याद रखोगे कि बच्चों, किसी भी देश को चलाने के लिए सबसे पहले सरकार की ज़रूरत होती है, और सरकार को देश चलाने के लिए कुछ नियमों की ज़रूरत होती है।
इसलिए सबसे पहले देश का संविधान बनाया गया ताकि देश को चलाने के लिए बच्चों नियम बनाए जा सके कि किन किन नियमों के आधार पर देश चलेगा। तो जो देश का बच्चों हमारा संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और उसके अंदर सारे ही नियम कायदे कानून लिखे हुए थे कि हमारा देश किस किस तरीके से चलाया जाना है और किसके पास कौन सा अधिकार है। और हम इस दिन को किस नाम से जानते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था बच्चों, नियम कायदे कानून लागू हुए थे, तो हम इस दिन को गणतंत्र दिवस के नाम से मनाते हैं। संविधान बनाने के लिए संविधान सभा भी बनाई गई थी जिसमें बहुत सारे लोग शामिल थे और इसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो बच्चों बात करते हैं कि संविधान क्या है। तो संविधान नियमों का, उपनियमों का और धाराओं का एक लिखित संग्रह है, यानी कि लिखित रूप में एक दस्तावेज है जिसके आधार पर ही देश का शासन चलता है और सरकार काम करती है। याद रखोगे कि संविधान के अकॉर्डिंग ही जो जो बातें संविधान में लिखी हुई हैं उन्हीं के हिसाब से देश को चलाया जाता है और उन्हीं बातों के हिसाब से हमारे देश की सरकार काम करती है कि संविधान में जो बातें हैं सरकार को वही करनी पड़ेंगी, इसके अलावा वो अपने पास से दूसरी बातों को लागू नहीं कर सकती है। हमारे संविधान के अनुसार भारत में सभी वयस्कों को, यानी कि जिनकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर है, उन सभी को वोट देने का अधिकार है और इसे वयस्क मत अधिकार कहते हैं। 18 वर्ष की आयु व उससे बड़े सभी नागरिक, चाहे अमीर हो, गरीब हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सभी वोट दे सकते हैं और चुनाव में जो पार्टी जीत जाती है वही सरकार बनाती है और उसी पार्टी का जो उम्मीदवार होता है वही प्रधानमंत्री बनता है। प्रधानमंत्री फिर अन्य मंत्रियों को चुनता है ना, उनकी नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री, तो इसे सरकार कहते हैं। सरकार दो तरह से काम करती है, केंद्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पर और राज्य स्तर पर। सरकार के 28 राज्य व 9 केंद्र शासित राज्य होते हैं जिन्हें गणतंत्र कहा जाता है और दिल्ली को खास दर्जा प्रदान किया गया है क्योंकि दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। इसी तरीके से बच्चों सरकार के तीन पार्ट होते हैं, तीन अंग होते हैं, तीन हिस्से होते हैं, ब्रांचेस होती हैं, कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका। देखो बच्चों ये पूरा का पूरा संसद भवन का फोटो दिया गया है। कानून बनाने वाली ये सर्वोच्च संस्था है, संसद भवन जिसे कहते हैं। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति व संसद के दोनों सदन सरकार चलाने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भूमिका निभाते हैं। याद रखोगे कि सरकार को चलाने में कौन कौन इम्पोर्टेंट भूमिका निभाते हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन। भारतीय संसद के बच्चों दो सदन होते हैं, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। लोकसभा में लोगों द्वारा चुने गए सदस्य होते हैं जिसको निचला सदन कहते हैं और राज्यसभा के सदस्य परोक्ष रूप से चुने जाते हैं जो कि ऊपरी सदन कहते हैं, जो कि परमानेंट मेंबर्स होते हैं, जो कि स्थाई सदन कहते हैं, ऊपरी सदन यानी कि स्थाई सदन होता है। राष्ट्रपति के चुनाव की भी बच्चों अलग प्रक्रिया होती है। संसद के दोनों सदनों के जो चुने हुए सदस्य होते हैं, राज्यों की विधानसभा, विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, यानी कि आम जनता नहीं करती है, आम जनता जिन लोगों को चुनती है वो लोग राष्ट्रपति को चुनते हैं। राष्ट्रपति का पद भारत का सबसे ऊंचा यानी कि सर्वोच्च पद है। भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। संसद द्वारा बनाए गए सभी कानूनों पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने बहुत ज़रूरी होते हैं, अदरवाइज संसद के ज़रिए कोई भी कानून बना और अगर उस पर राष्ट्रपति जी ने अपने दस्तखत नहीं किए तो वो कानून जो है पारित नहीं हो सकता, लागू नहीं हो सकता है। राष्ट्रपति का जो आवास है, रहने की जगह और कार्यालय दोनों ही राष्ट्रपति भवन में है जो कि नई दिल्ली में स्थित है। अब बच्चों भारत का जो उच्चतम न्यायालय है ये भारत की सबसे बड़ी अदालत है। इस अदालत को निचली अदालतों के निर्णयों के विरुद्ध अपील देने का अधिकार प्राप्त होता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट। इसके द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम यानी कि आखिरी निर्णय होता है। उच्चतम न्यायालय के द्वारा बच्चों जो भी निर्णय लिया जाता है वही निर्णय आखिरी होता है। उच्चतम न्यायालय सरकार के कामकाज पर भी नज़र रखती है कि सरकार किस तरीके से काम कर रही है,
कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, इस बात की नज़र उच्चतम न्यायालय रखता है। अब बच्चों टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं, अंग्रेज़ों ने अपनी पहली राजधानी किस क्षेत्र को बनाया था, तो कोलकाता को बनाया था, फिर बाद में दिल्ली को बनाया था। हमारे देश की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सॉरी बच्चों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तीसरा है, हमारे देश का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो बच्चों भारत में कुल 29 राज्य हैं। अब है चैप्टर के फिलअप्स, अंग्रेज़ों की भारत में पहली राजधानी क्या थी, कोलकाता थी। भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, भारत में 18 वर्ष व उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। लोकसभा व राज्यसभा संसद के प्रमुख दो सदन हैं। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। बच्चों तीन क्वेश्चन हैं कि संविधान क्या है, तो मैंने अभी समझाया था कि संविधान नियमों और उपनियमों का लिखित संग्रह है, दस्तावेज है, और इसके आधार पर ही सरकार बनती है और काम करती है, संविधान के आधार पर ही। भारत का संविधान कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारत की सबसे बड़ी अदालत कौन सी है, तो भारत का उच्चतम न्यायालय भारत की सबसे बड़ी अदालत है। अब बच्चों एग्ज़ाम के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में अंग्रेज़ों से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए लगभग 200 वर्षों तक संघर्ष किया था। भारत ने अंग्रेज़ों से बच्चों आज़ादी हासिल करने के लिए कब तक संघर्ष किया था, 200 सालों तक संघर्ष किया था, कोशिश की थी कि अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल हो सके। प्रधानमंत्री का चुनाव कर उनकी नियुक्ति करता है, ठीक, तो प्रधानमंत्री मंत्री का चुनाव कर उनकी नियुक्ति करते हैं, मंत्रियों को चुनते हैं प्रधानमंत्री। सरकार के 3 मुख्य अंग हैं, अभी मैंने बताया था आपको पढ़ करके कौन कौन से हैं चैप्टर में। चुनाव हर 5 साल के बाद होते हैं, लोकसभा निचला सदन होता है, और बच्चों राज्यसभा क्या होता है, स्थायी सदन होता है। दोनों ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, याद रखना, लोकसभा को निचला स्थान और सदन, और राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं। 7वां क्वेश्चन है कि निचले न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों के विरुद्ध याचिकाएं सुनने का अधिकार किसको होता है, उच्च न्यायालय को होता है, याद रखोगे, उच्चतम न्यायालय को होता है, सॉरी उच्चतम। देखो निचले न्यायालयों द्वारा जो भी निर्णय दिया जाता है, अगर हम उसके आगे भी केस लड़ना चाहते हैं तो हम केस उच्चतम न्यायालय से लड़ते हैं। सरकार के कामकाज पर नज़र कौन रखता है बच्चों, उच्चतम न्यायालय नज़र रखता है सरकार के कामकाज पर। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेज़ भारत क्यों आए थे, तो अंग्रेज़ व्यापार करने के लिए भारत आए थे। उन्होंने अपना सबसे पहला कारखाना गुजरात के सूरत में खोला था और धीरे धीरे अपनी फौज बनाकर एक बहुत बड़े क्षेत्र पर इन्होंने कब्जा कर लिया था। हमारी सरकार किन 2 स्तरों पर कार्य करती है, तो हमारी सरकार केंद्र व राज्य स्तर पर कार्य करती है।